मोदी सरकार नाल मेरा मुतालबा है कि मेरा कबूतर जरा ना वापस किया जाए और करवाया जाए, क्योंकि मेरे कबूतर नाल मैनू बहुत ज्यादा प्यार है, लिहाजा मेरा कबूतर जरा वापस करवाया जाए। और दूसरे नंबर से अपनी गवर्नमेंट का मुतालबा है कि 24 घंटे के 48 घंटे के अंदर अंदर मेरा कबूतर वापस करवाया जाए। पाकिस्तान का शहरी हूँ, शकरगढ़ के करीब मेरा गाँव है जिसका नाम बग्गा शरीफ है। ईद के दिन मैंने कबूतर उड़ाए ने, उसकी वीडियो मुझे मेरे पास है, लिहाजा जरा कबूतर सरहद तो पार चला गया, उदा मेरा बहुत ज़्यादा प्यार है, मेरा कबूतर वापस किया जाए, क्योंकि कबूतर की सरहद कोई नहीं है, जानवर एक मशहूर परिंदे ने, इन्हों की सरहद कोई नहीं है। जरा छला पाया मैं यह कबूतर दे, इनू कह रही है कि ये पता नहीं की कोड है, लेकिन यह मेरा मोबाइल नंबर है। सारे कबूतर ने मैं पाया, एक दिन ही पाया, सारे ने पाया, और ये इस वास्ते पाया कि पाकिस्तान के कित भी चल जाए वो फोन करे तो वापस मैं लिया सकना, तो लिहाजा हों भी इंजी है। और ये अगर मीडिया अगर इंडिया मीडिया अगर गुजारिश है कि मेरा कबूतर जरा वापस किया जाए, लिहाजा मैं अपने पिंड एहतजाज कर रहा, लेकिन नहीं मेरी गल मनी ना सुनी गई तो गौर जाके बार्डर से भी एहतजाज किया। ये वीडियो हमने देखा है और प्राइम ऑफिसर तो उसे क्लेम्स ठीक लग रहे हैं, अभी तक हमें कुछ समझी उसमें खास मालूम नहीं पड़ा है, तो हमें रख के तो उसका कोई उपयोग है नहीं, तो वी आर प्लानिंग टू सेंड इट बैक। कैसे भेजा जाएगा सर उसको? जैसे आया था, अगर वो वहाँ का है उसको उड़ाया जाएगा, चला जाएगा वापस। तो जांच भी सर कुछ चल रही थी उसको लेकर, ये कोडिंग की बात की जा रही थी। सीमावर्ती इलाका है, फेंस के पास होने वाली गतिविधि को संजीत जी के साथ देखना जरूरी होता है, तो हमने जो भी अपनी तरफ से गाँव वालों ने की उसके अंदर इस कबूतर को पकड़ रखा था, उन्होंने पुलिस को हैंड ओवर किया, उसको किसी भी चीज़ को एनी थिंग इवन रिमोट स्मॉलेस्ट थिंग अलॉन्ग द फेंस हम